शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, संजय शादीशुदा है। इसे अपने चेहरे पर शराफत का नकाब चढ़ाकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहो। हाँ बोलो। हेलो माय डियर भोला। हाँ बोलो राज भाई। अरे यार, सूरज आसमान की तरफ चढ़ना शुरू हो गया और तू अभी तक सो रहा है। राज भाई कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। मैं देर तक इसलिए सोता हूँ कि सुबह सुबह पूजा का सपना आ जाए और पूजा हमारा प्यार कबूल कर ले। उसके बाद मैं पूजा के साथ शादी करके सुबह सुबह उठ के रोज चाय पिया करूंगा। अरे बेवकूफ, पूजा तो तेरे प्यार को तब एक्सेप्ट करेगी जब तू पूजा के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार करेगा। मगर कैसे? आप मुझे ना मुख्यमंत्री से मिलवा दो तो मैं उससे आराम से पूछ लूंगा कि सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, सफाई क्यों नहीं हो रही। अरे लेकिन पूजा के सामने पता नहीं, जाते ही हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, जबान सूखने लगती है, झटके लगने लगते हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कुंवारा ही मरेगा। मर साले, मुझे क्या, मैं तो चला अपनी वाली से प्यार का इजहार करने। सुन किस वाली, कौन सी वाली के पास है? पिछले 2-3 साल से तुम 2-3 जगह किस्मत आजमा रहे हो। सुन, 2-3 में से 2 की तो शादी हो गई, बची तीसरी उसी के पास जा रहा हूँ ये कहने के लिए बाय बाय। हेलो हेलो, ऑल द बेस्ट भी नहीं सुने। अरे भैया, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, कहाँ हो राखी? कहाँ होंगी भैया, आपको तो पता है ना कि सुबह सुबह कहाँ होती हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ। हाँ वो तो पता है तुम जॉगिंग कर रही हो, लेकिन घर कब आओगी ताकि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर सकूँ। मैं आकर खुद बना लूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। तुम सिर्फ इतना बताओ तुम घर कब आ रही हो। बस थोड़ा एक्सरसाइज करके 20 मिनट में घर आ जाऊंगी। बाय, ख्याल रखना। ओके भैया बाय। हाय। आज इतना लेट क्यों आए हो? सारे लोग चले गए हैं और मैं अकेली यहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वो आज सुबह जरा मेरी नींद देर से खुली। किसके सपने देख रहे थे? तुम्हारे अलावा किसके सपने देखूंगा जाने मन, एक तुम ही तो हो जिसने मेरा दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा रखी है। अच्छा, आई लव यू राखी, आई लव यू, आई लव यू टू। हेलो यार, मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन उठा क्यों नहीं रहा है? अरे अभी तो घंटी बजी है भाई, तभी तो उठाया। सुन, अभी मैंने राखी को देखा। अरे इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो राज भाई, राखी को आपने बचपन से देखा है, उसको हाथों में खिलाया है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने अभी अभी किसी लड़के के साथ देखा है उसे। क्या?
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तू कहे तो उस लड़के का अभी मैं मर्डर कर दूं। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ मत करिए। हो सकता है दोनों में सच्चा प्यार हो। राखी को घर आ जाने दीजिए, मैं राखी से बात करता हूँ, तब देखते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ। चल फोन रख, मैं थोड़ी देर में घर पे आता हूँ। भैया, किससे बातचीत चल रही है? कहाँ से आ रही हूँ राखी? जॉगिंग करके आ रही हूँ भैया। सिर्फ जॉगिंग? हाँ भैया, सिर्फ जॉगिंग। पहले जॉगिंग करी, फिर एक्सरसाइज करी और गौरव से मिली, फिर घर आ गई। ये गौरव कौन है? गौरव मेरा दोस्त है भैया, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, 2-4 साल मुझसे सीनियर है। सिर्फ दोस्त है? नहीं भैया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं मिलना चाहता हूँ। क्यों भैया? अरे पगली, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी कौन करवाएगा, इसलिए मिलना चाहता हूँ। नहीं भैया नहीं, शादी की बात बिल्कुल नहीं करना। क्यों? पहले आपकी शादी होगी, भाभी इस घर में आएगी, फिर आपको भाभी के हवाले करूँगी, उसके बाद मेरी शादी। नहीं 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 नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करना चाहते भैया आप शादी? बस ऐसे ही कर ले मेरे बाप, कर ले, वरना। वरना क्या? वरना मेरे जैसा हाल होगा। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हाँ। मन ही मन 2 साल से जिस लड़की से मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, आज उस लड़की के सामने मैं अपने प्यार का इजहार करने चला गया। हेलो, आई एम, हेलो, हाय, क्या नाम था? राज। हाँ हाँ, मैं आपको जानती हूँ। आप मुझे जानती हैं? कैसे? दरअसल कल मैं और मेरी माँ बाजार में जा रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको देखा, तो मैंने अपनी माँ को बताया कि आप रास्ते में आते जाते मुझे घूरते रहते हैं, तो मेरी माँ ने बताया वो भी आपको जानती हैं। तुम्हारी माँ मुझे जानती है? कैसे? दरअसल 20 साल पहले। अच्छा, 20 साल पहले आप मेरी माँ को देखने आए थे शादी के लिए, पर मेरी माँ को आप पसंद नहीं आए तो उन्हें शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा, बाय मामा। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ। मामा, ओके। सॉरी भैया, सॉरी। वैसे आपकी वो गर्लफ्रेंड थी ना जिसे आप बचपन से प्यार करते थे, उसका क्या हुआ? अरे उसकी तो बहुत पहले शादी हो गई, टेंट का जिम्मा इन्हें लगवाने के लिए मिला था, और अब पता है उसके 2 बच्चे हो गए। जब भी आते होली दीपावली, मामा मामा कह के पेट भी चढ़ जाते हैं। तू क्या कर रही है? सॉरी भैया, सॉरी, रुकिए मैं चाय लेकर आती हूँ। तू हंसना नहीं, यहाँ बहुत मार खाएगा। देख, कल को तेरा भी हाल वही होगा जो मेरा हुआ है। अरे पूजा से जाके कह दे कि तू उससे प्यार करता है। अरे अब पूजा के सामने सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे हिम्मत कर, नहीं तो कल को ये होगा कि तेरी प्रेमिका के बच्चे तुझे मामा मामा कह के बुलाएंगे, मेरी तरह। तू चल। अरे रुको, ठंडक रखो, अपने घर जाओ, ठीक है? हम नहाते धोते हैं और फिर मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तब अपन चलते हैं। तू चल ना पूजा। अरे घर तो चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। चलो, चलेंगे। जल्दी आना। राखी, दो ही चाय बनाना, वो चला गया। भोला, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, और गजनी आंटी से तो बिल्कुल मत घबराना, और आज तो पूजा से प्यार का इजहार कर ही देना। हाँ, चल चल चल। पाँव क्यों छू रहा है? अरे यहाँ मंदिर थोड़ी है, मैं क्यों छू रहा हूँ? नमस्ते माँ जी। आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए। लाल साड़ी है, बिल्कुल डेंजर लग रही है। पूजा बेटी, चाय लेके आओ, लड़के वाले आए हैं। यहाँ तो पहले से सारा मामला फिट है, तू तो खामखा घबरा रहा था यार। राज भैया,
आप भूल रहे हो कि पूजा की माँ को गजनी की बीमारी है। कभी याददाश्त चली जाती है, कभी पहचानने की शक्ति चली जाती है। पहली बार का याद है ना, जब खुद को गब्बर सिंह समझ रही थी और तुम्हें बसंती, और वो दिन भूल गए जब तुम्हें पेड़ से बांध दिया था और साड़ी पहना के 2 घंटे तक नचाती रही थी। याद है, याद है, मुझे सब कुछ याद है। अरे मैं तो भूल गई, तुम लोगों में दूल्हा कौन है और दूल्हे का बाप कौन? दूल्हा ये है लेकिन बाप कोई नहीं है, मैं हूँ दूल्हे का बड़ा भाई। ठीक है ठीक है, चलेगा। पूजा बेटी चाय लाओ दूल्हे के लिए। सुन तेरी तो निकल पड़ी, मतलब ये कि पूजा को देखने के लिए कोई दूसरा लड़का आने वाला था और आ गया तू। देखो आ गई। घूर मत। राज भैया कितनी सुंदर लग रही है, आज मेरे सपने का पहला एपिसोड पूरा हो गया। खुश में आ, नहीं तो तेरी लव स्टोरी का दी एंड यही हो जाएगा। तुम लोग? अरे माँ ये लड़के वाले नहीं है तो? बल्कि ये तो भोला और राज हैं। भोला और राज? कौन भोला और राज? ओहो माँ, भोला जो बचपन से तुम्हें सब्जी लाकर देता था, और राज जो तुम्हें गजनी आंटी कहकर चढ़ाता था और तुम उससे नंगा करके पीटा करती थी। अच्छा वो है ये दोनों। भोला बेटा जी, बाजार से जाना 2 किलो आलू और 1 किलो गोभी लेके आ, पूजा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना। जी माँ, जी माँ। बोला तू बाहर क्यों गया? माँ जी ने बोला सब्जी लाने के लिए। सब्जी लाएगा तू और खाएगा वो? वो कौन? अरे वो ही जो शादी के लिए पूजा को देखने के लिए आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं राज भाई, शायद हमारी किस्मत में पूजा का प्यार नहीं लिखा है। हम जी लेंगे, बिना पूजा के जीने की कोशिश करेंगे। अभी शादी पक्की नहीं हुई है, बल्कि अभी तक वो लड़का पूजा को देखने के लिए भी नहीं आया है। इससे पहले कि वो लड़का पूजा को देखने के लिए आए, हम उस लड़के को ही हटा देते हैं। मतलब लड़के का रास्ते मर्डर कर देंगे? नहीं यार, अगर हम लोग उस लड़के को पूजा के घर जाने से पहले ही पूजा के खिलाफ भड़का दें कि पूजा आवारा है, पूजा बच्चलन है, तो ये सुनते ही लड़का उल्टे पांव वापस चला जाएगा। फिर तो पूजा की माँ से शादी की बात कर लेना। पूजा की माँ से शादी? अरे नहीं, पूजा की माँ से पूजा का हाथ मांग लेना। हाँ राज भाई, लेकिन पूजा आवारा बच्चलन नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, देवी है, देवी। अरे मेरे भोले नाथ, मुझे मालूम है पूजा बहुत अच्छी लड़की है, देवी है। हाँ तो फिर उसका हाथ क्यों मांगेंगे, पूरी पूजा क्यों नहीं मांगेंगे? अरे मेरे बाप, पूरी की पूरी पूजा मिलेगी यार, लेकिन उसके लिए उस लड़के को तो भगाना पड़ेगा ना। कौन लड़के को? अरे वो जो पूजा को देखने आ रहा है। अरे तू सब्जी वब्जी छोड़ और उसका इंतजार करते हैं, चल। मेरा भी दिमाग खराब कर दिया तूने। कौन देखने आ रहा है? ये तुम क्या कह रही हो राखी? मैं सच कह रही हूँ गौरव, भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। पर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? भैया तुमसे मिलके ये जानना चाहते हैं कि तुम मेरे लायक हो या नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरे बुद्धू बलमा, भैया तुमसे मिलके हमारी शादी फिक्स करना चाहते हैं। तो ये बात है। लव यू गौरव। आई लव यू टू। ये वही लड़का है जो पूजा को देखने जा रहा है। आप कैसे कह सकते हो ये वही लड़का है? उसके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये वही लड़का है जो पूजा को देखने जा रहा है। हो सकता है अपनी बीबी से तलाक लेके आए हो इसलिए इतना खुश है। ये तो वही बता सकता है।
तू एक काम कर, तू पिछवाड़े जा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अपने पिछवाड़े कैसे जाऊं? वो जो कोना है ना, तू वहां जा, मैं उसे लेकर आता हूँ। जा मेरे बाप। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम या तो लड़की देखने जा रहे हो या तो अपनी बीवी को तलाक देके आ रहे हो। जी मैं अपने लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। हाय हाय सो क्यूट, चलो मेरे साथ। कहाँ? लंच करवाऊंगा। अरे लंच तो मैं उस लड़की के साथ करूंगा जिसे मैं देखने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बियर पिलाऊंगा। अरे मैं सुबह से 5 बोतल पी के आया हूँ। हाँ मेरे पास ये 2000 रुपए का नोट है, नया। 2000 रुपए का नोट? मेरे पास पुराने हैं, बदल लीजिए ना। ये वही लड़का है। कौन सा लड़का? अरे जो लड़की देखने जा रहा था। तू जिस लड़की को देखने जा रहा है वो लड़की बच्चलन है, आवारा है, मोहल्ले में उसका 4 लड़कों के साथ में लफड़ा चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। 4 लड़के बहुत हो गए ना भाई, एक काफी है। 4 के साथ हो या 1 के साथ में, लफड़ा तो है ना। चुप। एक ही कैसे? अगर तेरी शादी उस लड़की से होती है और लड़की का पड़ोसी के साथ में लफड़ा हो गया तो क्या? अरे तो क्या, तू बाहर वो अंदर, तू बंदर वो दिल के अंदर, बन गया ना कलंदर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। मुझे ऐसी लड़की का शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। देखा ना काम हो गया। अरे रुपया उसको दे दिया, सब्जी लानी थी हमको। एक बात बताओ, ये लड़की के बीच में हमेशा पड़ोसी क्यों गुजर देते हो? मन गया ना वो, चला गया ना वो, मैं किसी को भी घुसेड़ू यार। अब चल लड़की देखने चलते हैं। कौन सी लड़की? पूजा। मैं सब्जी तो ले आऊं जाके। समझ में नहीं आता ये गजनी है या वो गजनी। मान जाएगी अभी? पाँव मत पड़ना, डरना नहीं, मैं तेरे साथ। क्या हुआ? बोल दो बोल दो बोल दो बोल बोल बोल। माँ जी, अरे जोर से। माँ जी, अच्छा माँ जी, कौन है ये लोग? अरे माँ, ये राज और भोला हैं, अपने पड़ोसी। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ बच्चों, ये है मेरे होने वाले दामाद संजय। ये है ओरिजिनल, हम लोग रॉन्ग नंबर लगा के आए। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, आपको हमारी पूजा पसंद आई। हमारा दिल जल रहा है राज भैया, मुबारकबाद दे रहे हैं। चलिए हम आपको अपना शहर दिखाते हैं, चलिए। अरे मैं तो इसी शहर का हूँ। तो मोहल्ला दिखाते हैं। बोला है ना, बोला अरे बोला आ रहे ना। बोला, ये बोला है। और ये अपने पूजा के होने वाले माँ जी। हम आपके दामाद को ले जा रहे हैं ये मोहल्ला और आपका घर दिखाने। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए, चलिए चलिए। अच्छा सुनिए, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। चलिए चलिए। आओ दिखा दो मैं तुमको, ये है मौसी का घर, गजनी मौसी का घर। और वो देखिए प्लेन जा रहा है ऊपर से, आपने कभी प्लेन देखा नहीं होगा किसी के घर के ऊपर। और अभी क्या दिखाऊं मैं, और हाँ पेड़ दिखाता हूँ। ये देखो पेड़, ये पेड़ मौसा जी ने लगाया था और अभी भी उस पे नारियल आ रहे हैं। और ये नारियल जाते हैं सीधा समंदर में, जिससे लाखों की इनकम होती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ समंदर, किसी के घर के आगे तुमने कभी समंदर नहीं दिखा होगा। ये 2 सीढ़ियां चढ़ के समंदर आता है, और समंदर में पानी भी है और उसमें हमने बोट भी रखी हुई है, और पानी पूरी तरह से गीला है, और यही पानी हम बोतलों भर के सप्लाई करते हैं जिससे लाखों करोड़ों की इनकम होती है। आई मैं तुम्हें अब मोहल्ला दिखाता हूँ।
बहुत हो गई बकवास। घास हरी है, समंदर में पानी है, पेड़ पर नारियल है, ये सब फालतू की बातें बंद करो और काम की बात करो। क्या कहना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना है वो इन्हें कहना है। मैं कुछ नहीं कहना। जिस तरह हड़बड़ा कर तुम लोग मुझे यहाँ लाए हो, जरूर तुम लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि पूजा अच्छी लड़की नहीं है, तो इस बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैंने पूजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, बहुत ही अच्छी लड़की है वो, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम पूजा से बहुत प्यार करते हो, मगर सिर्फ तुम। पूजा को इस बात का इल्म भी नहीं है। खैर छोड़ो, तुम मुझे इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत चीज दिखाओगे या मैं इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की के पास जाकर अपनी शादी की बात पक्की करूं? बच्चे हो। उदास मत हो दोस्त, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मूर्ख बना के रखा है हमको, सारी सच्चाई आईने की तरह साफ साफ दिखाई दे रही है। किस उम्मीद का दामन पकड़कर जिएंगे हम? अभी शादी की बात हुई है, शादी नहीं हुई है। सुन, एक बार तू हिम्मत करके पूजा से अपने प्यार का इजहार कर दे, हो सकता है वो भी तुझसे प्यार करती हो। तूने पहल नहीं की, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार हिम्मत करके तू पूजा से जाके कह दे कि तू उससे प्यार करता है, तो हो सकता है वो खुश होकर उस लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दे। कोशिश तो करके देख। हेलो। हाँ भोला, बोलो। हाँ पूजा, तुम्हें एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। बचपना नहीं। नहीं, एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो घर आ जाओ। नहीं, घर पे नहीं, तुमसे अकेले में बात करनी है। तुम वो टी पॉइंट पे आओ ना। लेकिन भोला, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? अभी अभी तो मेहमान घर से गए हैं। अच्छा ठीक है, काम करो, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। ओके बाय। क्या बोला? हाँ आ रही है। वो आएगी ना? वो जरूर आएगी। मैंने कहा ना, वो तुझसे, सिर्फ तुझसे प्यार करती है। लड़का उसे देखने आया है, फिर भी वो आ रही है। अभी नहीं आ रही, अभी सब घर पे हैं, फिर ही होकर आएगी। अरे ये लड़की और बरसात का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। मैं वहाँ पीछे छुपता हूँ, तू यहाँ पे रुक। अरे, मैं यही हूँ, बस पीछे, पेड़ के पीछे, बस फेंक। भोला, बोलो क्या बात करनी थी? वो क्या, आगे बोलो ना। अब वो छोड़ के मैं करने लगे। अरे आगे बोलो ना। अरे बाबा आ गई हूँ, अब आगे बोलो ना। आई लव यू। What? ये तीन शब्द बोलने में इतने साल लगा दिए। भोला, अगर आज तुम ये नहीं बोलते ना,
तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। मामला जम गया। I love you too. I love you. भोला। भोला? 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 कहाँ खोए हुए थे भोला? वैसे बोलो क्या बात करनी थी? अब वो क्या, आगे बोलो ना। आई लव यू। व्हाट, क्या कहा तुमने? आई लव यू। ये क्या कह रहे हो भोला? मैं सच कह रहा हूँ पूजा, मैं तुम्हें बहुत समय से दिल ही दिल में प्यार करता था, लेकिन बता नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी शादी कहीं दूसरी जगह न हो जाए, इसलिए बताने आ गया। आई लव यू, आई लव यू। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है। दोस्त? हाँ, सिर्फ दोस्त। मजाक कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी तो हंस हंस के बात करती हो। अभी लड़का घर पे देखने आया, मैंने तुम्हें फोन किया, तुम यहाँ आ गई, ये प्यार नहीं तो और क्या है? पता, ये प्यार नहीं तो और क्या है? अगर तुम मेरी इंसानियत को प्यार समझने लगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगी? आखिर है क्या तुम में? ना ही बात करने का तरीका, ना कपड़े पहनने का ढंग, और ना ही कोई काम धंधा करते हो। अरे काम धंधा करने क्या जरूरत है? बचपन में लॉटरी निकली, उससे दुकानें खरीद ली, अब उन दुकानों से किराया आता है, आराम से घर चल जाता है। हे भगवान, कैसे समझाऊं इसे? बोला, आज ही मेरी शादी पक्की हुई है, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। देखो, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। भोला, प्यार नहीं करती हमसे राज भाई, सब सपने चकनाचूर करके चली गई। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। ओ भैया, भैया ये गौरव जी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आप क्या करते हैं? जी मैं इस वक्त पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे मेरे डैडी शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। ठीक है, तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, इस बात पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कैसी शर्त? शादी उसी दिन होगी जिस दिन तुम अपनी कमाई से राखी के लिए मंगलसूत्र खरीदोगे। जी ठीक है, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, आप अपने पिताजी से बात कर लो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी जरूर, मैं अब इजाजत चाहूंगा। जी एक खुश रहिए। अरे खुश रहो, खुश रहो भाई। बाय। ओ भैया, आप बहुत अच्छे भैया हो, स्वीट भैया हो। विश्वासघात से नफरत है मुझे, और गद्दारी की सजा ओ मेरा बेटा, कैसा है तू? फाइन डैडी जी, एक लड़की से मिलवाना था आपको। सब पता है, देखा हमने लड़की को, पसंद भी है हमको। ओ थैंक यू डैडी, थैंक यू। फोन नहीं लग रहा। सुनिए, गजनी कहाँ है?
गजनी आंटी? नहीं, माँ ने बुलाया था। माँ? नमस्ते। आपने मुझे बुलाया था? वो नल में पानी नहीं आ रहा ना, जरा देखो जाके। माँ, ये भोला है, प्लम्बर नहीं है। भोला? तो मैं क्यों बुलाऊंगी इसे? ओहो माँ, कुछ मिठाई वगैरह भिजवानी थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ मिठाई। हेलो, हाँ संजय, कैसे हो? ये लो, वो हमारा दामाद है ना संजय, ये सारा सामान उसके घर पे दे के आओ। एड्रेस? एड्रेस पूजा, एड्रेस दे दो इसको। पूजा, अपने आदमी का एड्रेस दो। हाँ संजय, ठीक है। एड्रेस पूछ लीजिए, एड्रेस दे दीजिए, आप ही कहाँ आ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं, भूला है। हाँ आपके ही घर पे आ रहा है। हाँ रियली? ठीक है संजय, ओके ओके, बाय बेबी। इतनी देर से किससे बात कर रहे हो डार्लिंग? अपनी होने वाली पत्नी से। और उस पत्नी के चक्कर में इस पत्नी को भूल गए। अरे नहीं डार्लिंग, नहीं, जिस पत्नी ने अपने पति को करोड़पति बनाने के लिए दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी, उस पत्नी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन डार्लिंग, हर कदम संभाल संभाल के रखना। जब तक तुम्हारी शादी पूजा से नहीं हो जाती, पूजा और उसकी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। गलत, बिल्कुल गलत। सिर्फ शादी तक नहीं, बल्कि तब तक जब तक पूजा और उसकी माँ एक्सीडेंट में मारे नहीं जाते। और उनके मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी। मेरी नहीं, हम दोनों की, क्योंकि इस पति को करोड़पति बनाने वाला प्लान तुमने ही तो बनाया था। ये क्या बकवास कर रहे हो भोला? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, संजय शादीशुदा है। और अब मैंने कानों से सुना है, दोनों सलाह कर रहे थे कि पहले पूजा से शादी करेंगे, उसके बाद जमीन जायदाद पे कब्जा करेंगे, उसके बाद बेटी के साथ माँ को भी साफ कर देंगे। प्लीज भोला, मुझे तुम्हारी ये सब बकवास नहीं सुननी है। भोला की बात तो सुन लो ना पूजा, हो सकता है उसकी बातों में सच्चाई हो। नहीं माँ, भोला की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, मेरी बात में सच्चाई है, बल्कि मेरी शादी तोड़वाने के लिए ये चाल चल रहा है। क्या? हाँ माँ, भोला मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता था। जब मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया तो वो ये चाल चल रहा है। भोला, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। प्लीज भोला, चले जाओ यहाँ से और फिर कभी हमारे घर में या हमारी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। राज भैया, ले जाइए इस पागल को। अरे ये पागल नहीं, भोला है, क्योंकि ये दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। अरे जिस आदमी ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, हर किसी का आदर करता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, वो जब किसी के बारे में बोलता है तो हर अल्फाज में सच्चाई होती है। लेकिन तुम नहीं समझोगी पूजा, क्योंकि तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचती हो। और जिस दिन तुम दिल से सोचोगी ना, उस दिन तुम इस इंसान को देवता समझोगी। ये इंसान तुमको देवता नजर आएगा। चल बोला, चल। सच, तुमने अपने पिताजी से हमारी शादी की बात कर ली? हाँ, और मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए तैयार हैं। सच? उतरो उतरो उतरो। यहाँ क्यों रुक गए?
यहाँ से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट लीजिए और फिर आगे जाकर फिर राइट लीजिए और सीधे जाकर सामने आपका घर आ जाएगा। थैंक यू मेरे घर का एड्रेस बताने के लिए। चलिए घर छोड़कर आइए। मन तो मेरा भी नहीं करता आपको यहाँ छोड़कर जाने को, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। अगर मैं आपको बार बार छोड़ने के लिए आपके घर पे जाता रहूँगा तो आपके भाई साहब ये कहेंगे कि ये हीरो जो है ना कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भैया बड़े ही सीधे और समझदार हैं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो साथ में ही रहना है। और मैं अभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि कोई भी बात बिगड़ जाए, प्लीज। ठीक है, पर घर पहुँच के मुझे फोन करना, ठीक है? बाय। हमारे पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल में एक MMS है और उस MMS में एक लड़की है और वो हो तुम। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे, ये देखो। इस MMS की कीमत है 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए देने का समय है सिर्फ 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर तुम हमें 1,00,000 रुपए दे देना वरना इस MMS को नेट पे डाल देंगे। और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। हेलो। हाँ राखी, मैं पहुंच गया। वापस आओ गौरव, वापस आओ। क्या क्या हुआ तुम्हें? अभी वापस आओ गौरव। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ राखी? वो लोग। कौन थे वो लोग? मैं पूछता हूँ कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानती। कहाँ गए? चलो मेरे साथ। मजा आ गया, अपने को तो पैसे मिलते ही अपन गांव चला जाएगा वापस। अरे सोच क्या रहा, मार साले को गोली। नहीं नहीं। अरे हमने तुझे 1,00,000 रुपए लाने को कहा था और तू इस हीरो को ले आई और अब मुझे इस हीरो के चांद की कीमत भी देनी होगी। 5,00,000। अब की बार तुझे 5,00,000 रुपए देने होंगे। अब एक दिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की मोहलत है तेरे पास। और सुन, अब तेरा टाइम शुरू होता है अब। और वक्त जाया मत कर, जल्दी जा वरना गोली मार दूंगा इसको। भाग बसंती भाग। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, कॉलेज जा रही हूँ। हाँ तो अलमारी में जाके ले लो। ठीक है भैया। अरे सुनो राखी। हाँ भैया। अलमारी में 7,00,000 रुपया भी पड़ा हुआ है, अलग से रखा हुआ है, उसे जाके बैंक में जमा कर दो। ठीक 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 है भैया। गौरव भाई, हमने तो सोचा था कि इस लड़की से सचमुच शादी कर लोगे तुम। अबे पागल है क्या तू? शादी तो हम हर लड़की से करते हैं सुहाग रात मनाने के लिए, और वो भी बिना फेरे के। और अपनी सुहाग रात का MMS बनाकर हम माल कमाते हैं। तो ये है तुम्हारा सच?
यस, यही सच है और यही हमारा धंधा। और तुम मेरी लाइफ में कोई पहली लड़की ऐसी नहीं हो जिसको मैं अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर ऐश और कैश दोनों कमा रहा हूँ। मैं पहली लड़की नहीं हूँ, आखिरी लड़की जरूर हूँ। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम सब लोग को। जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, अब तुम लोगों का चेहरा मीडिया वालों के सामने बेनकाब कर दूंगी। मार डालो इसे। बेवकूफ, तुझे उसका मर्डर करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि उसका एमएमएस बना, बाकी सब मैं देख लूंगा, और तूने उसका मर्डर। अब सबका शक तेरे ऊपर जाएगा, और ये शक अगर यकीन में बदल गया ना। तू एक काम कर। हेलो बोला भैया, मैं गौरव बोल रहा हूँ भैया। भैया राखी, भैया वो राखी, उन्होंने राखी को मार दिया भैया। किसको? राखी को मार दिया? आप आ जाइए भैया, आप आ जाइए भैया प्लीज। किसने मार दिया? रुको मैं आ रहा हूँ। भैया राखी, राखी को मार डाला भैया। भैया वो तीन गुंडे थे, तीनों ने मिलकर राखी की इज्जत लूटी और उसके बाद मार डाला। मैंने राखी को बचाने की बहुत कोशिश करी भैया, लेकिन उन्होंने मुझे भी बहुत मारा। तो बहुत अच्छा एक्टर निकला रे। किसी को शक भी नहीं हुआ कि तू इस कहानी का हीरो नहीं विलेन है। मेरी रगों में भी आप ही का खून है डैडी। किसी तरह से अपने चेहरे पर शराफत का नकाब चढ़ाकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहो और पैसा कमाते रहो। सब खत्म हो गया। सब। जिस बहन के लिए हजारों सपने देखे, उसकी शादी करवाऊंगा, दुल्हन बनेगी, कन्यादान करूंगा। तीनों दरिंदों ने मेरी बहन को मार दिया। वो तीन नहीं, चार थे। ये तुम क्या कह रहे हो? गौरव तो बोला था तीन थे, वो चौथा खुद गौरव था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। छोड़ मेरी बहन को। छोड़ अबे, छोड़ उसको भैया। तो
छोड़ दो मेरे बहन को, छोड़ दे अरे भैया भाई, इसका क्या करना है? मार डालो इसे। ऐसे मत करो, मैं आ गया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो मेरी बहन को, मत मारो मेरी बहन को, मत मारो, मैं तुम्हारे आगे पांव पड़ता हूँ। छोड़ दो मेरी बहन को। यूं तो इस पिस्टल की सारी गोलियां मैं तेरे भेजे में उतार सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर दया आ रही है। जा, चला जा यहां से, और अपनी जुबान पे हमेशा ताला लगा के रखना, वरना इस पिस्टल की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। चल जा। उन लोगों ने मेरी जान तो बख्श दी, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैं तुझे कुछ बता नहीं पाया। मगर रात भर मुझे नींद नहीं आती, दिन भर बेचैन रहता हूँ। मेरे दिल पे एक बोझ सा रहता है, अपनी बहन को मैं इंसाफ नहीं दिला पाया, लेकिन अब नहीं, चाहे भले मेरी जान चली जाए, अब उन अपराधियों को उनके किए की सजा मत दिला के रहूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, अपनी बहन को इंसाफ मिलेगा भोला, मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला के रहूंगा। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, तू चल मेरे साथ। सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं गवाही दूंगा सर, मैं दूंगा। अगर तुम गवाही देने के लिए तैयार हो तो मुजरिम थोड़े वक्त के बाद सलाखों के पीछे होंगे।